नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। पाकिस्तान चीन से लेकर पूर्वोत्तर सीमा पर बोले राजनाथ सिंह, आतंकवाद के खात्मे को लेकर जताया भरोसा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, संस्कृत को लेकर बड़ी जागरूकता, विदेश में हो रही पढ़ाई। तस्वीरों में देखे दुनिया भर में अफगानिस्तान को लेकर उठी आवाज, कहा अफगानियों को भी सम्मान से जीने का पूरा हक। सेफ अफगानिस्तान की कई देशों में उठी आवाज, तालिबान के काबुल पर कब्जे से चिंतित हैं विदेशों में रहने वाले अफगान। हाशिए पर छूटे भारत की तस्वीर पेश कर रही शीर्ष खरे की पुस्तक, एक देश 12 दुनिया, जगेगी अलग। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट में हमिद अंसारी ने साझा किया अपने अनुभव, मिलेगा जीवन से जुड़ा लेखा जोखा। कई खूबियों से लैस है रूस की AK-103 असॉल्ट राइफल। देश में बीते 24 घंटों में 45,083 नए मामले, 460 मरीजों की मौत। गैर पारसी से शादी करने पर समुदाय ने मां बेटे को निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में हो सकता है आतंकी हमला, सीमा पार बड़ी हलचल के बाद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। केरल में एक दिन में 31,000 से ज्यादा मामले और 153 मौतें दर्ज, राज्य सरकार ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। नियमित 3AC की तुलना में होगा नए 3AC कोच का किराया कम। देश में कहीं रहने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, विमानन इंफ्रा के मामले तेजी से निपटाए राज्य। कांग्रेस हाईकमान की नजर में पंजाब में कैप्टन के खिलाफ बगावत नहीं, सिद्धू खेमे को दिया झटका। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा, उत्तराखंड की पारंपरिक काली टोपी RSS से जुड़ी मानते हैं राहुल गांधी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर राजनाथ ने कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। अमृत महोत्सव के दौरान संविधान को जाने अभियान चलाएगी केंद्र सरकार, आम लोगों को करेगी जागरूक। पाकिस्तान के मुंह पर तालिबान का तमाचा, कहा TTP तुम्हारी समस्या हमारी नहीं, खुद ही सुलझाओ। तालिबान के खिलाफ अमेरिका उठा सकता है ये बड़ा कदम, क्या पंजशीर को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में मिलेगी मान्यता। काबुल के 3 एयरपोर्ट गेट पर तालिबान ने किया कब्जा, आतंकी हमले के बाद अमेरिकी सैनिक हटे। सरकार गठन में जितनी देर होगी उतना ही अफगानिस्तान में बढ़ेगा अनिश्चितता का माहौल, यह कहना है एक्सपर्ट व्यू का। बाइडेन की चेतावनी के बाद अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, काबुल एयरपोर्ट तुरंत छोड़ने का निर्देश। NCB ने एक्टर अरमान कोहली को किया गिरफ्तार, आज होंगे कोर्ट में पेश। पहले दिन ही अमिताभ बच्चन के चेहरा को मिली ठंडी ओपनिंग, कमाए सिर्फ इतने लाख। बॉलीवुड में अपने संघर्ष पर छलका डीनो मोरिया का दर्द, कहा मैं छोटे काम करके खुद को बनाए रखने की कोशिश करता था। इंटीमेट सीन के दौरान आज भी शर्मा जाते हैं जैकी श्रॉफ, बोले सब शूट देखते हैं बहुत अजीब लगता है। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा केवल इस शर्त पर कर सकती हैं फिल्मों में काम। जॉन अब्राहम की अयप्पनम कोशियम रीमेक से आउट हुए अभिषेक बच्चन, शुरू हुई एक्टर की तलाश। करीना कपूर की फीस भरने के लिए कड़ी मेहनत करते थे पापा रणधीर कपूर, कहा आज के एक्टर्स से होती है जलन। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामायण कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। केंद्र की तरह योगी मंत्रिमंडल में भी जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधेगी सरकार, शामिल हो सकते हैं 7 शहर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री को रामपुर में लोगों ने कीचड़ से भरी सड़क पर पैदल चल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों से आएंगे EVM, कोविड नोडल अधिकारी होंगे तैनात। जन्माष्टमी पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश।
घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी कांग्रेस गोरखपुर में कुलियों रिक्शा चालकों से मिले सलमान खुर्शीद। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामायण कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। घर घर जाकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आने का नियंत्रण दे रही बसपा। अष्टमी पर नहीं फूटेगी दही हांडी, सरकार के आदेश, मांस मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। खंड वर्षा ने सुखा दी नमी, खेतों में खाद नहीं डाल पा रहे किसान। काबुल के 3 एयरपोर्ट गेट पर तालिबान ने किया कब्जा, आतंकी हमले के बाद अमेरिकी सैनिक हटे। सरकार गठन में जितनी देर होगी उतना ही अफगानिस्तान में बढ़ेगा अनिश्चितता का माहौल, यह कहना है एक्सपर्ट व्यू का। बाइडेन की चेतावनी के बाद अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, काबुल एयरपोर्ट तुरंत छोड़ने का निर्देश। एनसीबी ने एक्टर अरमान कोहली को किया गिरफ्तार, आज होंगे कोर्ट में पेश। पहले दिन ही अमिताभ बच्चन के चेहरा को मिली ठंडी ओपनिंग, कमाए सिर्फ इतने लाख। बॉलीवुड में अपने संघर्ष पर छलका डीनो मोरिया का दर्द, कहा मैं छोटे काम करके खुद को बनाए रखने की कोशिश करता था। इंटीमेट सीन के दौरान आज भी शर्मा जाते हैं जैकी श्रॉफ, बोले सब शूट देखते हैं बहुत अजीब लगता है। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा केवल इस शर्त पर कर सकती हैं फिल्मों में काम। जॉन अब्राहम के अयप्पनम कोशियम रीमेक से आउट हुए अभिषेक बच्चन, शुरू हुई एक्टर की तलाश। करीना कपूर की फीस भरने के लिए कड़ी मेहनत करते थे पापा रणधीर कपूर, कहा आज के एक्टर्स से होती है जलन। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामायण कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। केंद्र की तरह योगी मंत्रिमंडल में भी जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधेगी सरकार, शामिल हो सकते हैं 7 शहर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री को रामपुर में लोगों ने कीचड़ से भरी सड़क पर पैदल चल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों से आएंगे ईवीएम, कोविड नोडल अधिकारी होंगे तैनात। जन्माष्टमी पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश। घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी कांग्रेस गोरखपुर में कुलियों रिक्शा चालकों से मिले सलमान खुर्शीद। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामायण कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। घर घर जाकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आने का नियंत्रण दे रही बसपा। अष्टमी पर नहीं फूटेगी दही हांडी, सरकार के आदेश, मांस मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। खंड वर्षा ने सुखा दी नमी, खेतों में खाद नहीं डाल पा रहे किसान। महू में आर्थिक तंगी से परेशान व्यापारी ने पाताल पानी में कूद कर की आत्महत्या। निपानिया की दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियों में पहुंचेगा नर्मदा जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इंदौर की तारीफ, पहले स्वच्छता में नंबर 1, अब वाटर प्लस सिटी। गुंडों ने बोझिल बनाया इंदौर से देवास का सफर। डीएसपी की सीधी भर्ती वाले पदों पर पदोन्नति की तैयारी। सब्जी से भरे ट्रक में छुपाकर ले जा रहा था शराब, आरोपी फरार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पुण्यार्क सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना, पुराने साथियों से की मुलाकात। जगदानंद सिंह के सामने झुकने की तैयारी नहीं तेज प्रताप यादव, लालू ने दिया कौन सा मंत्र। कांग्रेस में हो सकता है बड़ा फेरबदल, इन्हें मिल सकती है बिहार की फरमान। बोले एमपी ललन सिंह, नहीं भूल सकता मुंगेर की जनता का प्यार, उनका सुख दुख मेरा। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार और अफसरशाही लगाया आरोप। कोविड टीके की दूसरी डोज लेने में पटना आगे, अरवल गया और नवादा का बुरा हाल। बिहार में अब पग पग पर दिखेगा पंचवटी का नजारा, वन एवं पर्यावरण विभाग ने बनाई अनोखी योजना। अमिताभ बच्चन ने कविता के जरिए दिखाए चेहरे के कई रंग। चेहरे का ऐलान हो या नहीं, चुनाव में धुरी तो हरदा ही होंगे। दलगत राजनीति से अलग, सतत विकास पर एक सुर, सतत विकास लक्ष्य पर
सात घंटे चली चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरलीकरण समाधान व निस्तारण पर सरकार का फोकस। भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, प्रशासक और जमीनी नेता के साथ महान इंसान भी थे कल्याण सिंह। सुखबीर बादल ने की पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए तीन और उम्मीदवारों की घोषणा, मलुका रामपुरा पुल से होंगे एसडी प्रत्याशी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा। आरएसएस के प्रांत संघ चालक बोले, ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण से होगा धरती मां का श्रृंगार। राष्ट्र सदस्य झरना दास बोली, संसद में उठाएंगे फादर स्टेन स्वामी के संस्थागत मौत का मामला। बाबा बैद्यनाथ टेंपल के लिए फंडों ने दी झारखंड सरकार को चेतावनी, आज मंदिर खोलने की घोषणा, नहीं तो कल बंद रहेगा देवघर। झारखंड में 10,000 करोड़ का होगा निवेश, 1,50,000 रोजगार की उम्मीद। बात के गोपालपुर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का शिलालेख, 800 साल पुराना होने का दावा। झारखंड के तानिया सिन्हा ने जीता मिस ग्लोब इंडिया का खिताब, अब मिस ग्लोब इंटरनेशनल में लेगी हिस्सा। मुख्यमंत्री बोले, अटल टनल लाहुल व पांगी के लोगों के लिए बनी वरदान, वाजपेयी को किया याद। उड़ीसा के 3 डाकघरों में 2,44,00,000 की धोखाधड़ी, सीबीआई और पुलिस कर रही जाँच। पायलट को दिल का दौरा पड़ने से नागपुर में उतरा बांग्लादेश का विमान, 11 घंटे बाद ढाका रवाना। पबजी खेलने में मां के खाते से 10,00,000 खर्च कर घर से भागा किशोर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को निर्देश, जम्बू जू के निर्माण को शीघ्र पूरा करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, स्थायी पर्यटन जम्मू कश्मीर लद्दाख में रोजगार सृजन के लिए अहम। शाह ने अहमदाबाद में 20 सितंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। लव जिहाद पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी गुजरात सरकार। नितिन पटेल के बयान में मचे सियासी हलचल, कहा लोकतंत्र संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। ममता की बड़ी घोषणा, अब हर साल मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटर्न के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे 500 छात्र। बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने आसनसोल सांसद पर निशाना साधा, कहा बाबुल ने राजनीति की ही कब जो छोड़ने की बात कर रहे। छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर बोले बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस चुनाव हारी लेकिन युद्ध के मैदान से नहीं भागे। अब तक देश में 63 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना वायरस रोधी टीका, जारी हुआ आंकड़ा। भारत ने पाली से हारने के मामले में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड अभी नंबर 1। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN News।